देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। यार मैं पंजाबियों को बेनती करना चाहता, क्यों भैया आके सानू यार खराब करी जाते हो? चन्नी साहब तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियाँ देते हैं। चोन दौरान एक दूसरे उत्ते इल्जामबाजी आम गल है, पर पंजाब दे विच इस बार लीडरां दे बोल बिगड़ रहे ने। एक दूसरे नूं अपशब्द बोलन तो भी गुरेज नहीं कीता जा रहा। कुछ अजिहे ही अपशब्द हुण मुख्यमंत्री दी जुबान चो भी निकले ने, ओ भी दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे खिलाफ। चन्नी ने अजिहे शब्द वरते ने जो चोणां दौरान कांग्रेस समेत चन्नी नूं भी नुकसान पहुंचा सकते ने। लो मुख्यमंत्री दी जुबानी ही सुन लो कि ओ केजरीवाल बारे की बोल रहे ने। मैं पंजाबियों को बेनती करना चाहता, क्यों भैया आके सानू यार खराब करी जाते हो? ये कोई तरीका हर रोज मेरे खिलाफ झूठ बोल देने का? ये कोई तरीका यार हर गल दे विच झूठ खराब बोलना? दरअसल एक दूसरे उत्ते इल्जामबाजियां दी वजह बनी है आप दा ओ सर्वे, जिस दे आधार उत्ते केजरीवाल ने दावा कीता सी कि चन्नी दोवे सीटा तो हार रहे ने। इसलिए हुण मुख्यमंत्री चन्नी ने भी जवाब दिता है अते दावा कीता है कि भगवंत मान तुरी सीट तो हार रहे ने। चमकौर साहब से और बदौर से हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, तीन बार सर्वे कराए, चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। आही प्रचार रह गया चन्नी हार रहा, यार आ जाते ना पहला। मैं तो कहा सी केजरीवाल नूं कि पंजाब च किते मेरे नाल इलेक्शन लड़ ले, आके नहीं आया ना। हुण चाहुंदा कि उहनूं हरा के, भगवंत मान नूं हरा के ते मैं मुख्यमंत्री बन के लड़ लूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा कि मेरे हल्के पर मैनू माण है, 25,000 ते घट दोनों हल्कों जो किते नहीं जीतूंगा, 50,000 तक गल जा रही है। और भगवंत मान बुरी तरह हार रहा है, कल मैं जाके देख लिया पूरे पंजाब दियां बीबी कोई ना वोट नहीं पा रही। बेशक मुख्यमंत्री चन्नी ने केजरीवाल दे लई अपशब्द बोले, पर उस तो पहला उन्हां पंजाब दे लोकां दे लई कई तरह दे चूम वादे भी कीते ने। मुख्यमंत्री ने दावा कीता है कि जेकर लोकां ने मुड़ मौका दिता तां पहले महीने 1,00,000 सरकारी नौकरी, जनरल वर्ग दे बच्चां दे लई भी स्कॉलरशिप लागू करनगे। जो मैं अज कह रहा ओ भी लागू होएगा, अरे वचन रहेगा मेरा, मैं कोई एवें फालतू गल्लां नहीं करदा। 1,00,000 नौकरी दी पहले दिन साइन करने दी गल कीती तां करांगा, ते नाल नाल सेहत दे नाल नाल हैल्थ दे नाल नाल एजुकेशन दे नाल नाल हैल्थ भी बहुत जरूरी है, सेहत बहुत जरूरी है। अज आम लोगों नूं प्रॉब्लम क्या आ रही, पिता खराब हो गया ऑपरेशन जोगे पैसे ने, गुर्दा खराब हो गया ऑपरेशन जोगे पैसे ने, सेहत खराब हुई है इलाज जोगे पैसे ने। ये ऐसी जूड़ बढ़ना है, एक नवी चीज़ ऐसी लेके आ रहे बाहरले देशों के हैगी है कि बंदा हस्पताल सरकारी जाके पैजे, ऐसी 9/9 करके उन्हें घर भेजना, फ्री हेल्थ सर्विसेज देनी है। जेड़े बच्चे जनरल कैटागरी के भी है उत्थे भी गरीबी है, उत्थे भी पिछड़ापन है, उत्थे भी मिडिल क्लास है, छोटे किसान भी हैं, दुकानदार भी है, उन्हां दे बच्चियां दी कोई सार नहीं लैंदा। जेड़े उन्हां दे बच्चे पढ़ नहीं सकते उन्हां दी भी सरकार दी जिम्मेवारी है एक वेलफेयर स्टेट होंदे हुए। इसलिए असी जनरल कैटागरी स्कॉलरशिप स्कीम लेके आवांगे, जेड़ी एससी बीसी दे नाल नाल जेड़े जनरल कैटागरी दे मिडिल क्लास ते गरीब फैमिलियां दे बच्चे है उन्हां नूं भी असी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करांगे। लेकिन अज भी 70-80 साल बाद भी लोग कच्चे मकानां च रहिंदे, कच्चियां छत्तां च रहिंदे, कच्चे फर्श है, ये मेरे दिल की पीड़ है, ये मैनू तकलीफ है। इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर जे मौका मिल गया लोगों ने देता तो 6 महीने के अंदर अंदर कोई पंजाब की छत कच्ची नहीं रहेगी, कोई कंधा थल्ले दे कच्चा नहीं रहेगा।
चोणां दा माहौल है। इस दौरान चोण वादियां दे नाल नाल इक दूसरे उत्ते इल्जाम लगना सुभाविक जी गल है, पर साडे लीडरां नूं अपने भाषणां दौरान शब्दां दी मर्यादा दा ख्याल रखना भी जरूरी है।